हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए पर फुल वीडियो में। किसी बहन ने हमारे पास कमेंट किया था, कमेंट पढ़ के हम सुना देते हैं। लगता है यीशु मसीह अगर इस बार आएंगे तो वापस ही अकेले चले जाएंगे धरती में। क्यों? आप सभी को अच्छा धन दौलत चाहिए। मैं उस बहन को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ वचन से, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर वो बहन इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान से देख लेना। मत्ती 25 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं तुझे नहीं जानता। ये उन्हीं में से एक कुमारी मूर्ख है जो यहाँ पर रह जाएगी, छूट जाएगी, और बाद में जब परमेश्वर न्याय करेगा, जिस शरीर पे बॉडी पे घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में वही शरीर पहना के जिंदा जलाएगा, आग में नंगा ही डालेगा। और ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है स्वर्ग में। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे जो आज ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे को कचड़ा बटोर के परमेश्वर स्वर्ग नहीं देगा, ऐसा कचड़ा लेकर स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है परमेश्वर के कहर से आज जरा भी डर नहीं लग रहा है। यशायाह 2 अध्याय के 21 वचन में लिखा हुआ है, और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण, उसके प्रताप के कारण चट्टानों की दरारों में और पहाड़ियों की छेदों में जाके घुसेंगे। इतना हाहाकार मचेगा। मसीह विरोधी के दिन में होगा। ये सब जितने लोग यार रह जाएंगे, वे सब परमेश्वर के क्रोध से पहाड़ियों की छेदों में छिपेंगे। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है निंदा करने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा ही लग रहा है अभी तो। जो लोग यार रह जाएंगे, उनको परमेश्वर खून पिलाएगा। खून तालाबों में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। लहू नदियों में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। झीलों में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। लहू नल से पानी निकालेंगे, नल से पानी नहीं खून निकलेगा। खून पीना पड़ेगा, खून ही पिलाएगा परमेश्वर। लहू मिलेगा, लहू और लहू ही पीना पड़ेगा। उस 7 वर्ष में, उस 7 साल में 7 मोहरे खोली जाएंगी, 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे उस 7 वर्ष में। अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 16:3-6 वचन में लिखा हुआ है, आंख खोल के ध्यान से वीडियो को देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पे उंडेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया, और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पे उंडेल दिया और वे लहू बन गए, लहू। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, योना देख रहा है दर्शन के द्वारा, यह सब होगा मसीह विरोधी के दिन में होगा, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू ही पिलाया था, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। वचन साफ बता रहा है, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत कटोरा उंडेलेगा, जब कटोरा उंडेला जाएगा, तो याद रखना जो यहाँ पर रह जाएंगे, जो नदियाँ होंगी, जो समुद्र की मछलियाँ होंगी, जितने जीवधारी होंगे, और सब मर जाएंगे और लहू बन जाएगा, पानी लहू बन जाएगा, लहू और लहू ही पिलाएगा। जो आज मसीह विश्वासियों को सता रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, खून बहा रहे हैं, याद रखना खून का बदला खून, और परमेश्वर लहू पिलाएगा। खून
खून ही पिलाएगा खून, प्यास के मरे आपकी जी बैठेगी, कड़वा पानी पिलाएगा, कड़वा पानी पीना पड़ेगा, लहू पिलाएगा लहू। अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। याद रखना प्रकाशित वाक्य बताती है, प्रकाशित वाक्य बताती है जब सात मोहरे खोली जाएंगी, छह अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ, 12 वचन से हम पढ़ देते हैं। और जब उसने छठवीं मोहर खोली, यीशु मसीह ने छठवीं मोहर खोली, कौन यीशु मसीह जब छठवीं मोहर खोलेगा, तो मैंने एक बड़ा भुंडोल हुआ और सूर्य कमल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा मानो पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ियों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हम पर गिरो। और मेमने के प्रकोप से, उसके क्रोध से, परमेश्वर के कहर से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। याद रखना जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा, जितने लोग यहाँ रह जाएंगे, जो बड़े बड़े हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, सरदार लोग हैं, जिनके पास धन दौलत पैसा है, वो यहाँ पर रह जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में। जब परमेश्वर का कहर बरसेगा, क्रोध इस पृथ्वी पर, जितने लोग यहाँ रह जाएंगे, वे लोग पहाड़ियों से कहेंगे, ऐ पहाड़ियों टीलो, हम पर गिर पड़ो। उस समय लोग मौत मांगेंगे, परंतु मौत नहीं आएगी, पहाड़ नहीं गिरेंगे। वे लोग अपने आप को बचाने के लिए, मसीह विरोधी के दिन में बचाने के लिए पहाड़ियों में छिपेंगे, छेदों में छिपेंगे, पहाड़ियों में, गुफाओं में, गड्ढों में जाकर छिपेंगे अपने आप को बचाने के लिए। मगर पहाड़ नहीं गिरेंगे, इतना तड़पाएगा, लहू पिलाएगा, खून पीना पड़ेगा। और याद रखना परमेश्वर जब न्याय करेगा, न्याय करके उसको डायरेक्ट नर्क की झील में फेंक देगा। जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, गलत काम किया होगा, गंदे काम किए होंगे, वही शरीर पहना के परमेश्वर नर्क में फेंक देगा। यहाँ भी तड़पाया जाएगा, मसीह विरोधी तड़पाएगा, परमेश्वर तड़पाएगा। और याद रखना, और यहाँ भी तड़पाया जाएगा, वहाँ सीधा डायरेक्ट उसको आग में डाल दिया जाएगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा, उसको दूसरी मृत्यु दी जाएगी, वह नर्क की आग जो बहुत भयानक होगी, जहाँ की आग नहीं घुसती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, याद रखना वहाँ पे डालेगा परमेश्वर। अभी सब अच्छा नजर आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब अच्छा नजर आ रहा है। याद रखना वो टाइम, वो समय आ रहा है, प्रकाशित वाक्य बताती है, अभी समय है, अभी सुधर जाओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग सच्चाई को जाने और पहचाने। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।